हेलो स्टूडेंट्स, आज अभी हम लोग एक ट्रिक लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है ट्वेल्थ के जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी परेशान करता है बच्चों को और टीडियस है, लॉन्ग प्रोसेस है। कन्वेंशनल प्रोसेस जो है वो अभी हमने एक प्रॉब्लम की मदद से एक्सप्लेन किया है। वी विल बी डिस्कसिंग टूडे अ शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ such type of functions, variable to the power of variable, and this we will be doing with the help of an example. हम लोग एक example की मदद से करने वाले हैं। Example जो है अभी हमने conventional method आपको solve करके दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, so that we do not waste time in the conventional method, assuming that you all must be knowing this. लेकिन इतना solve कर दिया है जिसके basis पर अभी हम आपको आगे की short trick समझा पाएं। तो y is equal to sin x to the power of x square minus 1, log ले लिया। I'll be explaining this method briefly, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं खराब करना, क्योंकि हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पर जाना है डायरेक्टली। तो इसका लॉग अगर लेंगे, लॉग लेने का डिफरेंशिएट अगर करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने पर ये 1 upon y dy by dx, ये x square minus 1 है, into log sin x आएगा, into d by dx, ये d by dx इसका लेना। फिर इसके बाद अभी हम लोगों ने राइट साइड में प्रोडक्ट टू लगा दिया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ऐसा कुछ आया। I assume that you must be knowing this method. आपको मालूम होगा। Just take a screenshot. If in case you are facing problems in this, तो भी आप बताइएगा। Just write down in the comment box. I'll try to sort out your problems. तो अब इसका जो आंसर आता है वो ऐसा कुछ आता है। Intentionally I left out some part. जैसे d by dx of sin x ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और d by dx of x square minus 1 ये भी छूटा हुआ है। We have not solved this. तो शॉर्ट ट्रिक जो है इसी स्टेप से स्टार्ट होती है, ये आखिरी वाले से। इतना पार्ट अभी आप घर पर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना इसका। देखो, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करने में ये देखना, ये एज इट इज कॉपी कर ले, साइन एक्स टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कॉपी कर लिया। फिर क्या किया है, ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसको डिवाइड किया है किससे, साइन एक्स से। साइन एक्स क्या है, नीचे वाला फंक्शन, लिखिए, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स। साइन एक्स यानी नीचे वाला फंक्शन, इनटू लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स यानी लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी डी बाय डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला आपको बनाकर दे दे रहे हैं इसके बेसिस पर। क्या देखना ध्यान से, अगर आपको y ऐसा कुछ लिखा है, लोअर फंक्शन एंड अपर फंक्शन, बहुत सिंपल लैंग्वेज अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, सो दैट यू आर एबल टू राइट डाउन द डिफरेंशिएशन डायरेक्टली इन वन लाइन। l और u लिखा, लोअर फंक्शन एंड अपर फंक्शन। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, dy by dx जब आप निकालोगे तो फंक्शन, तो दिया हुआ फंक्शन डायरेक्टली कॉपी करना है, दिया हुआ फंक्शन मतलब साइन एक्स दोबारा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो डायरेक्टली कॉपी करेंगे। अंदर क्या लिखेंगे, अपर अपॉन लोअर, पहले ऊपर वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन। फिर इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहा हो, नीचे वाले के डेरिवेटिव से, जो नीचे लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन, नीचे साइन एक्स लिखा उसका डिफरेंशिएशन, प्लस क्या है, लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स यानी लॉग ऑफ लोअर फंक्शन, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ अपर फंक्शन। तो ये एज अ फॉर्मूला अभी आप याद रखेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक जो है यहां से शुरू होती है, इसी से। कैसा, अब देखो, हमें अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, y is equal to sin x to the power of x square minus 1, शॉर्ट ट्रिक की मदद से। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है कि dy by dx अगर निकालना है तो आप दिया हुआ फंक्शन कॉपी कर लो, sin x के ऊपर x square minus 1 ये कॉपी कर लिया। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर वाला फंक्शन ऊपर लिख लो और नीचे वाला फंक्शन नीचे लिख लो, लिख लिया ऊपर वाला फंक्शन ऊपर, नीचे वाला फंक्शन नीचे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन किसका लेना है, डिफरेंशिएशन लेना नीचे वाले का,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हम समझाने के लिए लिखते रहे, नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसको कॉस एक्स भी लिख सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो। प्लस क्या है, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, लॉग ऑफ द लोअर फंक्शन, लॉग ऑफ द लोअर फंक्शन इज साइन एक्स इंटू यू डैश लिखा है, यू डैश मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन कितना आ जाएगा 2x। तो ये देखो आपको डायरेक्टली आंसर ही आ गया, हार्डली विद इन 30 seconds यू विल बी एबल टू राइट डाउन द आंसर। एक प्रॉब्लम और ले ले रहे हैं, सारी चीजें एकदम परफेक्टली आपको क्लियर हो जाएंगी, जैसा बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही समझना और वैसा ही करने की कोशिश करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज y इज इक्वल टू log x टू द पावर ऑफ साइन x, अगर ये दिया तो dy by dx लिखने का तरीका क्या है, dy by dx अगर लिखना है इसका तो log x टू द पावर ऑफ साइन x टू द पावर ऑफ साइन x ये डायरेक्टली उतार लो, उतार लिया। अगला काम क्या है, अगला काम यह है कि आप ऊपर वाला फंक्शन ऊपर लिख लो और नीचे वाला फंक्शन नीचे लिख लो, लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी 1/x। फिर उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है log ऑफ नीचे वाला फंक्शन, log ऑफ नीचे वाला फंक्शन, log ऑफ log x, ये हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन। आंसर डायरेक्टली इन अ सिंगल स्टेप यू विल बी एबल टू राइट डाउन द आंसर। तो अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर आपको और है then you can continue watching, we are discussing only one more problem, otherwise you can start practicing. y is equal to, suppose hum iska alag aisa kuch le lein, sin x to the power of log x, sin x to the power of log x agar lein to dy by dx kitna aayega beta, dy by dx will be sin x to the power of log x। कैसा लिखेंगे, दिया हुआ फंक्शन उतार लो, ऊपर वाले फंक्शन को आप ऊपर लिखो, नीचे वाले फंक्शन को नीचे लिखो, लिख लिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिया, फिर लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन लॉग साइन एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन d by dx of u, u मतलब ऊपर वाला फंक्शन और ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील बी कंटिन्यूइंग विद मेनी मोर सच ट्रिक्स इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल फॉर टुडे।